सहप्रभाविता कोडोमिनेंस का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंट माने प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम का अध्ययन किए थे, उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या अंतर है तीनों में। पहले इस अंतर से तीनों को समझते हैं। इसमें देखिए क्या होता है आपका, अगर हम देखें डोमिनेंस, डोमिनेंस एक होता है, दूसरा है इन कंप्लीट डोमिनेंस, और जो थर्ड आज हम लोग अध्ययन करेंगे को डोमिनेंस। ये तीन है। डोमिनेंस मीन्स प्रभावी, या तो डोमिनेंस का लाभ हुई प्रभाविता, प्रभाविता का जो लाभ पढ़े थे आप लोग, इनकम्प्लीट और प्रभाविता का लाभ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े थे और इसको हम पढ़ रहे हैं सप्रभाविता। देखिए इन तीनों में क्या अंतर है। डोमिनेंस में आप क्या देखें, पहला अंतर, इसमें अंतर हम लोग ये देखें कि जैसे जनक है, पैरेंट जनक है, अगर जैसे मतलब क्या है आपका लाल पुष्प, या तो हम कह सकते हैं कि टाल प्लांट है मेल मान लीजिए, और द्वार बौना क्या है फीमेल लंबा, इसके पहले पड़े हैं और ये बौना, इनको क्रॉस कराएंगे से टी स्मॉल टी, तो यह फोन जो है इन दोनों पेरेंट में से एक जरूर यह फोन में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था मेंडर कौन का टॉल लंबा दिखाई दे रहा था, तो जो ये आपका क्या है यह फोन ऑफ स्प्रिंग है, ये फोन संतान, या तो हम कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, यह जो ऑफ स्प्रिंग है यह ऑफ स्प्रिंग अपने कैसे दिख रहा है अपने एक पेरेंट से टाल जैसा इसको हिम। और फिर देखिए जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे थे मिराबिलिस जलापा में, या तो फिर आपके एनसीईआरटी में स्नैप ड्रैगन, उसमें आप क्या देखे थे कि अगर मान लीजिए क्या है रेड फ्लावर, दो जनक हैं, एक पेरेंट मेल जो जिसमें रेड फ्लावर है आर आर इसकी जीनोटाइप है, और वाइट फ्लावर जिसकी जीनोटाइप क्या है स्मॉल आर आर फीमेल बनाया है मान लीजिए इसको, तो यह फोन जो बनेगा इसके गैमेट आर बनेगा, इसमें गैमेट स्मॉल आर बनेगा और एक आर आर है, और यह फोन में जो संतान बनाया है जैसे मैंने एक पेरेंट से डिफर कर एक पेरेंट से आपका रिजेंबल कर रहा था दिख रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो पिंक हो गया है, जबकि यहाँ पे रेड था इसका एक जनक, दूसरा व्हाइट फ्लावर था, जबकि इसमें जो संतान था वो क्या हो गया पिंक, मैंने इन दोनों पेरेंट्स में से कोई भी यपन में दिखाई नहीं दिया, थर्ड इंटरमीडिएट कौन इंटरमीडिएट इसमें दिखाई दिया है, तो ये आपको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि आप देखेंगे यपन में यपन का जो संतान ऑफस्प्रिंग होता है वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता, जबकि प्रभाविता में क्या होता है जो यपन होता है अपने एक जनक से मैच करता है माने उससे उसके रिजेंबल करता है उससे उसके जैसा होता है। और फिर देखिए सप्रभाविता जो भी हम पढ़ेंगे इसमें जैसे क्या है आपका इसका एग्जांपल, जैसे आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, जैसे आपका पेरेंट है पेरेंट में ए ब्लड ग्रुप, अभी आगे हम लोग सब देखेंगे इसको डिटेल में, और बी ब्लड ग्रुप ये है
ए रक्त समूह और बी रक्त समूह, इसकी जीनोटाइप जानते हैं आई ए, आई ए है मान लीजिए, और इसका आई बी, आई बी। इसमें गैमेट क्या बनेगा, आई ए, इसका गैमेट आई बी, और जो एफ वन पहली पीढ़ी का संतान होगा वो आई ए और आई बी। ए बी ब्लड ग्रुप, कौन सा रक्त समूह हुआ, ए बी है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें क्या है, ये दोनों समूह से मैच करता है, जो आपका कोडोमिनेंस है इसमें जो जन आपका संतान है एफ वन, वह एफ वन जो होता है अपने दोनों पेरेंट्स से मैच करेगा। जब इसका मतलब क्या होगा, डोमिनेंस में पहला क्या होगा, पहला क्या है, ये जो एफ वन संतान, एफ वन संतान या ऑफ स्प्रिंग, एफ वन एक पेरेंट से मिलता, किससे मिलता है, एक यानी उसके जैसा होता मिलता है ठीक। जबकि इसमें यह एफ वन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मतलब ना आपका क्या है, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता है, बीच का होता है, जैसे आपका रेड और व्हाइट फ्लावर किए तो पिंक मिला। जबकि इसमें आप देखेंगे सॉरी, इसमें एफ वन रिजेंबल रिजेंबल टू बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट से समानता रखता है, रिजेंबल मीन समानता, दोनों पेरेंट से समानता रखता है, कौन एफ वन। इसमें देखिए ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप आया इसमें, और दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो इसमें एक ही है, देखेंगे टी स्मॉल टी, या फोन में क्या आएगा टी स्मॉल टी, तो इसमें एक ही कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए केवल टाल ही दिख रहा है लंबा, तो इसमें केवल केवल वन एलील्स एक्सप्रेस, अपने को एक ही एलील एक्सप्रेस करता है, जबकि इसमें वन एलील्स फुली एक्सप्रेस, एक एलील अपने को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है एंड अदर पार्शियली एक्सप्रेस। इसमें देखेंगे तो एक पूरी तरह से अपने को एक्सप्रेस कर रहेगा और दूसरा पार्शियली आंशिक रूप से अपने को प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें बोथ एलील्स फुली एक्सप्रेस, इसमें दोनों एलील पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं, जबकि इसमें एक ही एलील एक्सप्रेस होता है, इसमें एक पूरी तरह से एक्सप्रेस होता है, दूसरा पार्शियली एक्सप्रेस आंशिक रूप से होता है, और एक कोडोमिनेंस में क्या होता है आपका, इसमें दोनों एलील्स पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं, और दूसरा आपके एक अंतर और देखें, इसमें जो डोमिनेंस में होता है या फोन अपने एक पेरेंट से मैच करता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है एफ वन, और कोडोमिनेंस में या फोन जो होता है ऑफस्प्रिंग होता है अपने दोनों पेरेंट से मैच करता है। तो आगे हम चूंकि हम इन दोनों का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम किसका अध्ययन करेंगे, कोडोमिनेंस का। देखिए अब हम लोग देखते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं, अभी हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा जाना है, तो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ऑफ कोडोमिनेंस देखिए, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस में जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ए बी ब्लड ग्रुप, इसको हम लोग देखे हैं अभी ए बी ब्लड ग्रुप,
सेकेंड एमएन ब्लड ग्रुप, ठीक इसका इनहेरिटेंस। थर्ड सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है और HbS सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, ये भी कोडोमिनेंस शो करते हैं। ये सब एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, बस ये भी ब्लड ग्रुप दिया है, इसमें आप लोग पहले पढ़े भी हैं कि इसमें क्या होता है आपका। अगर ए ब्लड ग्रुप, इसको फर्स्ट का हम देख रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल है जिसकी मान लीजिए है क्या पेरेंट, तो आई ए है मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप, और दूसरा पेरेंट बी ब्लड ग्रुप है, ठीक इसकी जीनोटाइप आई बी इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। इससे गैमेट बनेगा आई ए और इसका गैमेट बनेगा आई बी, और एफ वन जो इंडिविजुअल बनेगा आई ए आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों से मैच करेगा, जो एफ वन है आपका ये दोनों पेरेंट से, पेरेंट वन जिसे हम कहते हैं मेल है और ये फीमेल है, दोनों से मैच कर रहा है। यह एक तरह से कहेंगे कि जो बताए थे ना कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स, ये ए बी एलील्स और यह दोनों एलील्स अपने को फुली एक्सप्रेस करते हैं, जिससे आपका ये दोनों पेरेंट्स जैसे रिजेंबल करता है, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एन सी आर टी में नहीं दिया है लेकिन आपको चूंकि जानना है, ठीक। अब हम देखते हैं थोड़ा मल्टीपल एलिलिज्म, जो ए बी ए ब्लड ग्रुप है जिसे आप देखें उसी से शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड जैसे आपका मल्टीपल एलिलिज्म जब पढ़ेंगे तभी आपको कोडोमिनेंस अच्छे से समझ में भी आएगा। ए बी ओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल जो एन सी आर टी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स का अब हम देखते हैं, जैसे इसके जैसे फर्स्ट ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ रक्त समूह, सेकेंड जैसे है आपका कोट कलर इन रैबिट, थर्ड आई कलर, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। तो आप ये देखेंगे तो ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है यही एन सी आर टी में दिया है, ये दोनों शो करता है, शो माने या मल्टीपल एलिजम, मल्टीपल एलिजम एंड कोडोमिनेंस, ये बोथ शो, ये दोनों प्रदर्शित करता है मल्टीपल एलिजम एंड कोडोमिनेंस, और यही एन सी आर टी में दिया हुआ भी है। अब आती है बात मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जब मोर देन टू एलील्स ऑफ ए जीन, अगर एक जीन के
आपका दो से ज्यादा एलील्स हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। जैसे सामान्यता क्या पढ़े थे आपका, एक जीन के टू एलील्स, जब एक जीन के दो एलील्स हैं तो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स हो तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, एक दूसरा टर्म इसी में है, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, माने फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स। मतलब क्या है, माने मल्टीपल एलील्स के वंशागति की जो घटना होती है, जो माने फिनोमेना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। मीन्स मल्टीपल एलील्स के वंशागति को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। तो आपके एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म के, एबियोग्रेडबुक में आप देखेंगे तो इसमें थ्री आपका क्या होता है, एलील्स होते हैं, जो आपका जो जीन कंट्रोल करता है एबियोग्रेडबुक को, उसके थ्री एलील्स होते हैं। कोट कलरा प्राइवेट्स, इसके फोर एलील्स होते हैं जो जीन इसको कंट्रोल करता है रैबिट्स में कोट कलर को। आई कलर इन ड्रोसोफिला में कहता है, जो आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है ड्रोसोफिला में, उसके 15 एलील्स होते हैं। और ये एलील्स म्यूटेशन से बनते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसमें रिपीटेड म्यूटेशन होता है उस जीन में, उसको हम आगे देखते हैं। तो हम एबियो ब्लड ग्रुप का कैसे मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है वो देखिए। ए बियो ब्लड ग्रुप एबियो रक्त समूह, देखिए आप जैसे जानते हैं कि ह्यूमन का ब्लड लीजिए किसी अगर टेस्ट ट्यूब में, इसमें टू पार्ट्स होता है। एक तो इसमें जानते हैं क्या होता है आपका, प्लाज्मा होगा और इसी में आरबीसी होती है, ये आरबीसी है, और इसी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपका यह है क्या, एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन होता है इसमें, देखिए इसी एंटीजन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को ह्यूमन में एबी ब्लड ग्रुप को फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो फोर फिनोटाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए अगर हम कर रहे हैं फिनोटाइप्स क्या होता है, आप जैसे जानते हैं फिनोटाइप्स क्या होता है, जो बाहर से दिखाई दे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बाहर से जैसा दिखता है वही इसकी क्या है, फिनोटाइप्स है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बाहर से हम नहीं देख सकते हैं, इसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसके बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड नहीं कर सकता है बाहर से देख करके, उसको सीरोलॉजिकल टेस्ट से डिसाइड करते हैं आप फिनोटाइप। जबकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, फिनोटाइप एक्सटर्नली देख करके हम उसको बता देते हैं। तो देखिए आपका टाइप्स, ए फिनोटाइप होगा, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ए आपका क्या है कि इस तरह से फोर फिनोटाइप्स होते हैं, इतने फोर फिनोटाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप में, ए बी ओ। तो
डिसाइड कैसे होता है? आरबीसी, ये जो आरबीसी है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। ये ब्लड ग्रुप में क्या होगा आपका, जैसे एंटीजन है, एंटीजन, एंटीजन देखेंगे आप तो इसके आरबीसी पे, जैसे अगर ये ब्लड ग्रुप का कोई भी व्यक्ति है तो उस पर ए एंटीजन होगा, उसके आरबीसी पर कैसा एंटीजन होगा, ए एंटीजन, इस पर ए एंटीजन होगा। अगर आपका क्या है बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ठीक, तो इस पर बी एंटीजन होगा, क्या होगा, बी एंटीजन है। और अगर मान लीजिए क्या है कोई व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप का है तो इसके आरबीसी पे दोनों ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, ठीक। और ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति पे उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसमें आपका ए एंड बी दोनों एंटीजन होगा और इस पे नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, देखिए, और इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है इसके प्लाज्मा में, इसको हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, हमको यहाँ बस इसकी जेनेटिक्स स्टडी करना है, कैसे कंट्रोल होता है और इसके कौन कौन से एलील्स हैं और ये कैसे इनहेरिटेंस करता है। तो आपका क्या है एंटीजन है, उसके बाद आप जिससे देखिए ये एंटीजन जो होता है वो बनता कैसे है और वो कौन सा जीन कंट्रोल करता है उसको। तो एक जीन आई होता है, कौन, आई जीन, आई जीन होती है, यही जीन क्या करता है कि कंट्रोल करता है किसको, एंटीजन, एंटीजन को बनाने वाले एंजाइम को कंट्रोल करता है। आई जीन से एक एंजाइम बनता है और यह आई जीन एक एंजाइम, एक एंजाइम को कोड करता है, किसको कोड करता है, एक एंजाइम को कोड करता है, यह एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम का नाम है आपका ग्लाइको सेल ट्रांसफरेज, ठीक, ग्लाइकोसेल ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम है जो आई जीन से बनता है। यह क्या करता है कि एक शुगर, यह एक शुगर को बनाता है और यह शुगर आपका ग्लाइको लिपिड, सॉरी लिपिड, लिपिड आप जानते हैं, यह एक लिपिड से जुड़ करके क्या बनाता है, ग्लाइको लिपिड, क्या बनाता है, ग्लाइको लिपिड बनाता है, ये बन गया आपका ग्लाइको लिपिड। और ये ग्लाइको लिपिड्स फिर जा करके जो आरबीसी होती है, यह क्या, आरबीसी, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच किया जाता है, कौन, ये जो ग्लाइको लिपिड्स है, और यही फिर बनाता क्या है, एंटीजन। तो आई जीन एक शुगर के सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है, ये यही शुगर रिस्पांसिबल होता है एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये, और ये आई जीन जो होता है आपका, आई जीन जो है इसके थ्री एलील्स होते हैं, आई जीन के कितने एलील्स होते हैं, थ्री, जैसे आई ए और आई बी और स्मॉल आई, ये इसके तीन क्या हैं एलील्स, ठीक। इसीलिए जैसे चुकी जानते हैं इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के कितने एलील्स होते हैं, दो, लेकिन यहाँ पे आई जीन के कितने एलील्स हैं, थ्री, कौन कौन, जैसे
स्मॉल आई एनसीईआरटी में तो स्मॉल आई ऐसे लिखा है, लेकिन इसको हम कहीं कहीं बुक्स में लिखता है आई जीरो भी, ठीक है, या आई जीरो स्मॉल आई को आई स्मॉल आई जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो डोमिनेंट और माने एलियंस को रिप्रेजेंट करने का अलग ढंग है, जैसे टाल था तो टाल को टी दिखा दिए, द्वार को स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पे क्या है इसे जीन है इसी के ऊपर लिख देते हैं हम इसमें। आई ए जीन होता है, यह इसको कोड करता है फॉर्म, या हम सीधे लिखते हैं कोड जेनेटिक के भाषा में, ए फॉर्म ए एंटीजन, ये क्या बनाता है ए एंटीजन बनाता है आई ए, और आई बी कोड बी एंटीजन, ये बी एंटीजन को बनाता है, ठीक, और स्मॉल आई नॉट कोड एनी एंटीजन, यह किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या है थ्री एलियंस होगा। तो अगर हम एक और कॉलम बनाना चाहें इसमें एलियंस क्या होगा एंटीजन है, इसका ए एंटीजन किससे बनाएगा आई ए एलियंस से, बी एंटीजन आई बी एलियंस से, और ए आई ए एंड आई बी दोनों एलियंस से बनेगा, ए बी एंटीजन है, और इसमें ए स्मॉल आई, ये स्मॉल आई से कंट्रोल होगा, ठीक, कैसे होगा ये आगे हम देखेंगे अभी, इसको ये आई कर लीजिए आई बी, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा इसमें आप देखेंगे जैसे आई ए डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ओवर किसके स्मॉल आई, स्मॉल आई के ऊपर आई ए किसके ऊपर डोमिनेंट होता है, मतलब आई ए स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी होता है, क्या होता है प्रभावी होता है। चलिए अब देखते हैं आई बी की क्या स्थिति है, आई बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, आई बी भी किसके ऊपर डोमिनेंट है स्मॉल आई, लेकिन आई ए एंड आई बी को डोमिनेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या है को डोमिनेंट, ना आई ए आई बी पे डोमिनेंट है ना आई बी आई ए बी पे डोमिनेंट है, बल्कि ये दूसरे से सह प्रभावी है को डोमिनेंट है। तो पॉसिबल जीनोटाइप देखिए क्या बनेगा, देखते हैं पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या बन सकता है, देखिए जैसे इसका आई ए है, ठीक, ये कब कब हो सकता है आई ए आई ए, यह कंडीशन हुआ तो ए ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये एंटीजन बना देगा, ठीक, या और इसी को बोलेंगे आई ए स्मॉल आई, इस कंडीशन में भी क्योंकि आई ए इसके ऊपर स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसका क्या होगा आई बी आई बी आर आई ए सॉरी आई बी और स्मॉल आई, ये दो जीनोटाइप से कंट्रोल होगा। फिर इसका होगा आई ए आई बी, एक जीनोटाइप होगी इसका स्मॉल आई स्मॉल आई, इस तरह से कितने जीनोटाइप हुआ, वन एक हुआ, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप लिखिए फिनोटाइप कितने हैं फोर, ठीक, जीनोटाइप पॉसिबल कितने हैं सिक्स, माने ब्लड ग्रुप में फोर फिनोटाइप सिक्स जीनोटाइप होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक जैसे आपको अगर सिंपली अगर पॉसिबल जीनोटाइप निकालना हो
पॉसिबल जीनोटाइप। तो एक फार्मूला है यन यन प्लस वन बाई टू, ये फार्मूला होता है। यन बराबर, ये मल्टीपल एलिजम के लिए है, एन बराबर नंबर ऑफ एलिज, एलिज की संख्या कितना है उस जीन में। तो आप जैसे इसका देखेंगे तो कितने आपके एलिज हैं, थ्री, आई ए आई बी स्मॉल आई, तो हो जाएगा क्या, थ्री आपका थ्री प्लस वन ये हो गया बाई टू, तो थ्री फोर बाई टू बाई टू कितना हो गया सिक्स, आपका सिक्स जीरो टाइप है पॉसिबल। तो मल्टीपल एलिजम के केस में यूज किया जाता है आपका ऐसा। तो आपका इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं ए बी ए ब्लड ग्रुप से। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा है आपका, जैसे कि मतलब क्वेश्चन आ गया ठीक है, जिसमें मदर मदर का माता का क्या है ब्लड ग्रुप ओ, क्या है ओ है, एंड फादर पिता का ब्लड ग्रुप बी है, बी है, तो पूछ लेगा कि उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। देन व्हाट विल बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा संतान में। ठीक, तो आप जानते हैं जैसे मदर का क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है ठीक, और फादर का क्या है बी ब्लड ग्रुप है। तो ओ की जीनोटाइप आप देख रहे हैं, ओ की जीनोटाइप बनाया गया था आपका स्मॉल आई होता ना, इसको बना लिया आप स्मॉल आई ठीक। और बी का हो सकता है कि आई बी हो या तो आई बी स्मॉल आई हो। तो इसमें आप देखिए बनाइए स्मॉल बी आर हो सकता है स्मॉल बी स्मॉल आई हो ऐसे ठीक। तो इसमें गैमेट क्या बनेगा, गैमेट आपका एक ही तरह का बनेगा स्मॉल आई, और इसमें अगर गैमेट बनेगा इसमें तो एक ही तरह का बनेगा आई बी, लेकिन अगर ए भी रहा तो इसमें एक और स्मॉल आई भी बन जाएगा ठीक। तो दो तरह के गैमेट पॉसिबल हैं ऐसे केसेज में। तो फिर क्या है, अगर आप देखें स्मॉल आई आई बी स्मॉल आई एक हो गया, ऐसा हो सकता है तो स्मॉल आई ये अगर एक फ्यूज करेगा तो इस तरह से क्या हो गया आपका बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और ये क्या है ओ ब्लड ग्रुप। इस तरह से मैंने पूछा जाता है आपका। तो आपका क्या है मतलब अगर मदर फादर के मदर क्या है ओ ब्लड ग्रुप और फादर बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होने का संभावना है, आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया बी एंड ओ ब्लड ग्रुप ठीक, ये दो ब्लड ग्रुप हो सकता है उसके संतान में। तो इस तरह से इसका इनहेरिटेंस होता है आपका, मल्टीपल एलिजम का एग्जांपल है। इसको आप क्या करिएगा, आपको सब नोट्स कर लीजिएगा ठीक, और इसको हम नोट्स भी भेज देंगे। ओके।